दोस्तों, अगर आप भी WhatsApp एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, काफ़ी दिनों से WhatsApp यूज़र हैं, तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर मैं WhatsApp के कुछ VIP सेटिंग बताऊंगा, यानी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, जो कि आपके रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो के की पार्ट को मिस मत करना और चैनल फर्स्ट टाइम वेट किए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, हम WhatsApp पर वॉइस मैसेज सेंड करने के लिए जस्ट उस पर टैप करते थे। चैट के नीचे आपको कर्नर में एक ऑप्शन मिलता था, ये माइक का ऑप्शन, उस पर टैप करके हम वॉइस मैसेज को सेंड कर पाते थे। लेकिन अब WhatsApp ने फाइनली अपडेट ला दिया है, जिसमें क्या होगा, अपने WhatsApp पर एक छोटा सा राउंड से में वीडियो क्लिप को सेंड कर पाओगे, या आप बैक कैमरे से कुछ दिखाना चाहते हो तो आप उसको भी शूट करके आप उसको जल्दी सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको ये सेटिंग करनी होगी। जस्ट WhatsApp को ओपन करें और इसके पास मुझे वीडियो क्लिप सेंड करना है, यानी वीडियो मैसेज सेंड करना है। यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा माइक आइकन दिखेगा, जस्ट इस पर वन टैप करना है। वन टैप करने के बाद यहाँ पे वीडियो का आइकन शो होगा। अब इसको आपको प्रेस द होल्ड करना है और ऊपर में लॉक कर देना है। यहाँ पे वीडियो मैसेज क्रिएट हो रहा है, आप जो कुछ भी बोलोगे आपका यहाँ फेस दिखेगा और आपका वॉइस भी रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए आप बैक कैमरे से कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक कैमरे को ऑन कर सकते हैं। एंड मान लीजिए आप वीडियो शूट करने टाइम कुछ इसमें रॉन्ग चीज़ ऐड हो गया है, यानी शूट हो गया है, तो आप डिलीट आइकन पर टैप करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फाइनली ये मैसेज को सेंड करने के लिए सेंड आइकन पर टैप करेंगे, इंस्टेंट आपका वीडियो क्लिप सेंड हो जाएगा। देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा, बिल्कुल राउंड शेप के अंदर आपका छोटा सा वीडियो मैसेज अगले बंदे के पास सेंड हो रहा है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम कभी डिवाइस को अपने घर में छोड़ के चले जाते हैं बाहर में और उस पर हमारी गर्लफ्रेंड की मैसेज आते हैं WhatsApp के अंदर, तो नोटिफिकेशन में ऊपर में ही शो हो जाता है उसके नेम और मैसेज। आप इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस सेटिंग को यूज में ले सकते हो। जस्ट WhatsApp को ओपन कर लेंगे एंड अपने लोगो पे टैप करेंगे। लोगो पे टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। चलिए मैं लोगो पे टैप कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ मिलेगा नोटिफिकेशन, इस पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपके पास आईफोन होगा तो आपको एक ही ऑप्शंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शंस ऊपर और दो ऑप्शंस नीचे मिलेंगे। आपको चारों ऑप्शंस को इस तरीके से ऑफ करना होगा। दो ऑप्शन को ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, आपको चारों कंपलसरी ऑफ करना ही पड़ेगा। दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते थे, आपके पास दो नंबर होता था, दो नंबर से WhatsApp यूज़ करने के लिए हम एक WhatsApp का ऑफिशियल वर्जन यूज़ करते थे और एक डुअल एप्लीकेशन यूज़ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप दो नंबर से WhatsApp इजीली यूज़ कर सकते हो। अभी तक आपको नहीं मालूम तो इस स्टेप को कम्प्लीट देखना। WhatsApp को ओपन कर लेंगे एंड लोगो पे टैप करेंगे। एंड लोगो पे टैप करने के बाद यहाँ मिलेगा अकाउंट, अकाउंट पे टैप करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा ऐड अकाउंट, इस पे टैप करके आप एक WhatsApp के अंदर मल्टीपल नंबर को ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐड अकाउंट पे टैप करना है एंड यहाँ आपको नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो QR कोड से भी ऐड कर सकते हो। डेडिकेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। तो अक्सर आपने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा, हम जब भी कहीं अपने फ्रेंड के पास, फैमिली में के पास, जब हम WhatsApp से किसी चैटिंग करते हैं तो उनको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे एक साउंड आता है। वो साउंड सबको पता है कि साउंड सिर्फ WhatsApp चैट में ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन आप चाह रहे हो कुछ चैट करने के टाइम वो साउंड किसी को सुनाई ना दे, तो आप इस स्टेप को फॉलो करना। जस्ट WhatsApp को ओपन कर लेंगे एंड WhatsApp ओपन करने के बाद लोगों पे टैप करेंगे एंड ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा नोटिफिकेशन, इस पे टैप करेंगे, यहाँ पे मिलेगा कन्वर्सेशन टोन। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहेगा इस तरीके से, मैं ऑलरेडी इसको ऑफ़ किया हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ऑफ़ करके रखना। अगर आपको ही पसंद है तो आप इसको ऑफ़ कर लेना, उसके बाद आप जो भी चैट कर रहे हो उसका साउंड आजू बाजू जो बैठे हैं उनको सुनाई नहीं देगा, नहीं तो कई बार साउंड की वजह से लोग जान जाते हैं कि आप कहीं पर चैटिंग कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ में ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपका WhatsApp अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, किस किस डिवाइस में लॉगिन है, तो आप इस स्टेप को फॉलो करके अच्छे से फाइंड कर सकते हो। एंड अगर आपको डाउट है कि मेरे डिवाइस नहीं है, तो आप वहाँ से ओनली वन क्लिक के अंदर लॉगआउट भी कर सकते हो। तो चलिए जानने के लिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। जस्ट WhatsApp को ओपन कर लेंगे एंड लोगों पर टैप करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा ऑप्शन लिंक के डिवाइस, इस पर टैप करेंगे। जो भी आपका WhatsApp यूज़ कर रहा होगा यहाँ पर उसका डिवाइस का नेम शो होगा, या कोई ब्राउजर में लॉगिन किया हो तो यहाँ ब्राउजर का नेम शो होगा। जस्ट आप ऑन क्लिक के अंदर वहाँ से अपने अकाउंट को रिमूव कर सकते हो, थर्ड पर्सन का मोबाइल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि मेरा जो WhatsApp का जो चैट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी डिलीट ना हो, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर बैकअप जो ऑप्शन है ना, उसमें आपको कुछ सेटिंग करनी होती है। जिस सेटिंग का आप यूज़ करोगे ना, तभी आपके WhatsApp के सारे चैट वहाँ पे इंक्लूड होंगे। इन फ्यूचर ऐसा हो जाए, आपका डिवाइस खो जाए या आपको डिवाइस चेंज करना पड़ जाए, तो आप वहाँ से इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वो सारे अपने चैट को रिकवर कर सकते हो। बट इसके लिए इस स्टेप को फॉलो करना।
व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे एंड लोगों पर टैप करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ मिलेगा चैट, इस पर टैप करेंगे। थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा चैट बैकअप, इस पर टैप करेंगे। एंड यहाँ पर आपको चार चीज़ें फोकस करना है। पहला तो यहाँ पर देखना है बैक अप टू गूगल ड्राइव, इस पर टैप करके आपको अपना एक यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट करना होगा। उससे पहले यहाँ आपको डेली को चूज करना है। डेली चूज करने से बेनिफिट्स ये होता है कि आपको डेली टू डेली आपका व्हाट्सएप बैकअप बना के रखेगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेकिंग इन्फो का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ अपना ईमेल आईडी को रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लेना। इस चीज़ मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, मुझे नहीं करना है, आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आएगा गूगल अकाउंट, यहाँ पे नॉन सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी को इंटर करने को बोल रहा है। तो अपना यहाँ पे वही गूगल अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना जो आपके डिवाइस में लॉगिन होगा, क्योंकि डायरी का बैकअप उसी जीमेल में ये रिस्टोर करेगा। एंड यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंक्लूडेड वीडियो और बैकअप यूजिंग आपका डाटा शो होगा, ठीक है। तो आप बैकिंग यूज सर्कुलर पर टैप करके इसको ऑन कर लेंगे, बट नीचे वाले ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखेंगे, क्योंकि आपका बैकअप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें आपको रिस्टोर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा हमें बहुत ही फालतू ग्रुप में लोग ऐड कर देते हैं। ऐड इसलिए करते हैं ना कि हम वहाँ पे जो परमिशन दिए हैं वो ऑल पे सिलेक्टेड है, इसलिए वहाँ पे कोई भी बंदा जो इसको मन हुआ वो अपने को ग्रुप में ऐड कर देता है। लेकिन आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को यूज़ करना। जस्ट व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे एंड लोगों पर टैप करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा प्राइवेसी, इस पर टैप करेंगे एंड यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा एक ऑप्शंस प्रोफाइल फोटो अबाउट स्टेटस, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा ग्रुप, ग्रुप पे ऑप्शंस पे टैप करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड। माय कॉन्टैक्ट पर रखेंगे, जो जिसका नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव हो गया सिर्फ वही लोग आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी छुटकारा चाहिए तो आप माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड पर सिलेक्ट करना। आपको यहाँ पे नंबर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, चलिए मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। इसमें से आप जिसको नंबर चूज करोगे सिर्फ वही लोग आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसको आप नंबर चूज नहीं करेंगे वो लोग आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। तो ये अपने हिसाब से इसको यूज में ले सकते हो। तीनों ऑप्शन को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर हम बहुत बार कई बार अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे वीडियो कॉल नहीं होता है, किसी के वॉइस कॉल नहीं होता है, चाहे कोई सही प्रॉब्लम है ना, तो आप उस प्रॉब्लम को अब इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए आपको कहीं भी मेल नहीं करना है, ना ही कहीं हेल्पलाइन नंबर ढूंढने की जरूरत है, बस आपको व्हाट्सएप में अपडेट आ चुका है, आप उसी की मदद से आप सारे प्रॉब्लम को खुद से रिजॉल्व करना सीख जाओगे। कंप्लीट देख लो इस स्टेप को। जस्ट व्हाट्सएप ओपन करेंगे, लोगों पर टैप करेंगे एंड लोगों पर टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ मिलेगा हेल्प, हेल्प पर टैप करेंगे। ऊपर मिलेगा हेल्प सेंटर, यहाँ आपके सारे क्वायरीज शो हो जाएंगे, आप किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको वॉइस कॉल नहीं हो रहा, वीडियो कॉल नहीं हो रहा, कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद लोडिंग लेगा। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है वॉइस या वीडियो, आप वॉइस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस रीजन को सिलेक्ट करके जस्ट आपको टैप कर देना है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर। दोस्तों जिनका थोड़ा आई वीकनेस है, जिसका आँख कमज़ोर है, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं थोड़ा वो फॉन्ट छोटी होती है तो हम उसको दिख नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस सेटिंग को हमेशा इनेबल करके रखना है। जस्ट ओपन करना है व्हाट्सएप एंड लोगों पर टैप करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ मिलेगा चैट, इस पर टैप करना है, यहाँ मिलेगा फॉन्ट साइज, आप इस पर टैप करके अपने हिसाब से इसको यूज में ले सकते हो। लार्ज मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि मीडियम में यूज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट सभी लोग मीडियम यूज़ करते हैं। आपको मीडियम में ट्राई करना है, फिर लार्ज ट्राई करना है, जो आपको बेटर लगे आप उसको सिलेक्ट करके डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से ऑलरेडी आपको कौन से सेटिंग पहले से पता थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।